नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड के दैनिक भोगी बिजली कर्मियों ने वरीय पदाधिकारी से पूरे महीने का मानदेय देने की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिजली कर्मियों ने शनिवार को बालूमाथ तसदबार सब स्टेशन के परिसर में प्रेस वार्ता कर बताया कि हम लोगों को पूर्व की तरह पूरे महीने का मानदेय का भुगतान किया जाए। ऐसा नहीं करने पर हम बिजली कर्मी मजबूरन हड़ताल पर चले जाएंगे। हम लोगों के द्वारा वरीय पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मानदेय भुगतान की मांग की गई है। दैनिक भोगी बिजली कर्मियों का कहना है कि पूरे महीने का मानदेय मिलने से हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि परिवार चलाना अब के दौर में मुश्किल हो गया है। इस मौके पर बालूमाथ बरियातू हिरहंज के दैनिक भोगी बिजली कर्मी सहित दर्जनों बिजली कर्मी मौजूद थे। महीना में 30 दिन खटवाते हैं और ये 15 दिन और 16 दिन का पेमेंट जो दे रहे हैं वो 33,000 देखें कि 11 देखें कि 220 देखें कि घर परिवार देखें। किसका पेमेंट 6,000 आ रहा है बताइए? हमारा आया 6,6500 कुछ रुपया जी। 6,500 हम क्या करें? इस संबंध में आपको क्या कहना है? इस संबंध में बताइए, घर जितना इनका पेमेंट है उतना मिलना चाहिए। क्या पेमेंट मिलता है आपको? फुल पेमेंट वही 26 दिन या पूरा पेमेंट कितना आता है? इससे पूर्व में आपको कितना है पेमेंट? उस समय आया था 8,400 या 8,500 रुपया लमसम, अभी आया 6,500 रुपया। अभी का क्या खर्चा है आपका जो आप बता रहे हैं कि 6,000 मेरा पेमेंट आया है? 6,000 में क्या कर सकते हैं, कौन चीज कर सकते हैं? घर में देखें कि 33,000 पेट्रोलिंग में देखें। बाइक खर्चा क्या देते हैं, विभाग देती है या नहीं? कहीं से कुछ नहीं मिलता है, मेंटेनेंस से देखना पड़ता है। आप खुद से करते हैं? हम लोग मानव दिवस कर्मी हैं, जितने भी सारे यहाँ स्टाफ हैं सब मानव दिवस कर्मी हैं, दैनिक वेतन भोगी हैं। अब हम लोग का पेमेंट काट लिया गया है। अब आगे पूछने पे पता चल रहा है कि बहुत सारे स्टाफ को बहाल, नया स्टाफ को बहाल कर दिया गया है। अब बहाली की वजह से उन लोग का पेमेंट, हम लोग का पेमेंट काट के उन लोग को दिया जा रहा है। तो हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि जितना बोर्ड का सेंशन है हमारे लातेहार ज़िला में, जितना स्टाफ का सेंशन है वही उन्हीं को रखा जाए। जो एक्स्ट्रा हैं उनका अगर सेंशन होता है तो उनको रखा जाए, और नहीं होता है तो उनको निकाला जाए। कितना सारे यहाँ पे स्टाफ हैं जो कोई वर्क भी नहीं करते हैं और उनका पेमेंट, हम लोग का पेमेंट काट के दिया जा रहा है। तो हम लोग साहब से लोग आग्रह करते हैं, यही मांग करते हैं कि हम लोग का जो सुचारू रूप से चल रहा है, आज हम 10 वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं। 10 वर्षों में लगभग इस बार लेकर 2 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि हमारा पेमेंट, हम लोग चाह रहे हैं कि बढ़ती महंगाई में हम लोग का बढ़े पेमेंट। अब हम लोग का जब पेमेंट आ रहा है तो पता चल रहा है कि हम लोग का पेमेंट कम आ रहा है, हम लोग का और स्तर नीचे गिरा दिया जा रहा है, हम लोग के साथ शोषित किया जा रहा है, हम लोग शोषण के मैंने शोषण कर किया जा रहा है हम लोग के साथ। तो हम लोग चाहेंगे यही चीज़ साहब से आग्रह करेंगे, मांग करेंगे कि हम लोग का जितना भी हो सके हम लोग का जो बढ़ा हुआ पेमेंट है या जो भी हम लोग का जो शेड्यूल के तहत जितना मिलता है उतना हम लोग को मिलना चाहिए। 30 दिन हम लोग काम करते हैं, 26 दिन का पेमेंट आता है और आज की डेट में हम लोग का 20 दिन का पेमेंट आ रहा है। आखिर हम लोग का गुनाह क्या है? अगर साहब लोग चाहते हैं कि सब लोग नौकरी छोड़ दे तो बोल दे, तो हम लोग नौकरी भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं 18-20 साल से कार्यरत कर रहा हूं, आज ऐसा नौबत आ गया है हमारे लातेहार डिस्ट्रिक्ट के हमारे SDO साहब श्री राजदेव मेहता ने हम लोग का पेमेंट काट दिया गया है। आखिर क्यों इस तरह से हम लोग के साथ जुल्म हुकूमत कर रहे हैं? हम लोग जीने के अधिकार में नहीं हैं। मैं जीना चाहता हूँ, हम लोग सब स्टाफ एक साथ में काम करके अपने बिजली बोर्ड को 11,033 LT को सुचारू रूप से चलाते हैं। हमारे पदाधिकारी इन लोग को सोचना चाहिए कि आखिर हम लोग के साथ मानव दिवस कर्मचारियों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? सैलरी और बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? सेक्शन है 75 का 125 को रखते हैं, और प्लस पॉइंट में यह है कि हम इन लोग का पेमेंट काट कर हमारे जो नए नए लोग के रखे हुए हैं उन लोग के देते हैं। क्या करें हम लोग इसके विषय में? हम लोग इसी एकत्र होकर एकजुट होकर ये हम लोग अपने आप में मतभेद क्या बोलते हैं भाईचारा के अनुसार से हम लोग अपना पावर सब स्टेशन में आए हुए हैं। हम लोग 30 दिन ड्यूटी कर रहे हैं फिर भी हम लोग का 18 से 20 दिन का पेमेंट आ रहा है जी। अभी क्या मामला है? अभी हम लोग का पेमेंट काट लिया गया है। किसके द्वारा? लातेहार SDO सर के द्वारा। क्या कहते हैं, बात किया गया है आपके जो उच्च अधिकारी है उसके द्वारा बात किया गया? बात करने पर पता चला यही कि कुछ संख्या बढ़ाया गया है स्टाफ लोगों का, इसी चलते हम लोग का वेतन काट के उन लोग को दिया जा रहा है। तो आपका क्या कहना है? हम लोग का कहना है जितना सेंशन है उतना ही का वेतन आ रहा है तो उतने ही को दिया जाए, बाकी जो एक्स्ट्रा लोग रखे जा रहे हैं उनको नहीं दिया जाए। वी टाइम न्यूज़ के लिए बालूमाथ से मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट।